So hello friends, welcome back to Ever Study Classes. As you all know that we are running a 5-minute series on our platform and the topic for today's discussion is Responsibility Accounting. Aur ye topic important hai UGC NET Paper 2 Commerce aur Management ke liye. इसके अलावा हमारे पास और भी कोर्सेज हैं जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिकल, यूनिट वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स और पेपर टू कोर्सेज कॉम्बो और साथ ही साथ पेपर वन का मिनी कॉम्बो पैक आप अवेल कर सकते हैं हमारी साइट से जो है www.everstudy.co.in. तो डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फ्रेंड्स. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो इन्वॉल्व होता है इन आइडेंटिफाइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है. और इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ कंट्रोल है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट. नाउ अंडर दिस पर्संस आर डेलीगेटेड विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, अच्छा, अब इसमें हम जो बार बार सिस्टम की बात कर रहे हैं वो कौन से सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग है, जैसे कि आपके ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया या बजटरी कॉस्टिंग कंट्रोल हो गया, ठीक है. तो हम इन दोनों सिस्टम की मेजरली बात करते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में और ये दोनों के दोनों सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग में हेल्प करता है टू द मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट, ठीक है. तो अब मैं ये भी बता दूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जितने भी पर्संस को अथॉरिटी दी जाती है तो दे हैव टू मेक श्योर कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी ना आए. ओके, और जो भी वो काम कर रहे हैं वो उसको पूरी की पूरी 100% देके अपना वो काम करें, ठीक है. और इन केस अगर उनकी परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क या कोई भी कमी है उनकी परफॉर्मेंस में तो दैट इज directly communicated to the higher authorities, ठीक है. एंड देन द responsible managers और responsible persons जो भी हैं, ठीक है, उनकी liability होती है for their center's performance कि वो खराब क्यों हुई थी या उसके जो standards set किए गए थे उसको वो match क्यों नहीं कर पाए, ठीक है friends. अब बात करेंगे हम इस definition की जो दी गई है by Charles T. Horngreen ने, ठीक है. तो इस डेफिनेशन में बात की गई है वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की जिनको रिकग्नाइज किया जाता है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड ये सेंटर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं प्लान और एक्शंस को जो हर एक सेंटर परफॉर्म करता है बाय असाइनिंग पर्टिकुलर रिवेन्यू और कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वन हैविंग इट. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है. और वो कैसे होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को रखा जाता है अंडर द चार्ज ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर. तो इससे क्या होता है, जैसा भी डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होगी, अगर अच्छी हुई तो भी और अगर खराब हुई तो भी ही इज हेल्प आंसरिंग फॉर द परफॉर्मेंस इन रिगार्ड्स टू हिज सेंटर जिसके ऊपर वो चार्ज कर रहा है, ठीक है. और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में जो टारगेट सेट किए जाते हैं उसको लेकर डिसीजंस लेते हैं रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स कि कैसे वो अपने अंडर में जो सेंटर है उसको टारगेट अचीव करेंगे, ठीक है. एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे, अगर एक जैसे आप सभी की सभी बैंक जाते होंगे, ठीक है, तो हर एक ब्रांच का, ठीक है, एक ब्रांच मैनेजर होता है, ठीक है. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस ब्रांच तक लिमिटेड होती है. लिमिटेड कैसे, अगर वो ब्रांच एनपीए कितने क्रिएट कर रही है, एनपीए वहाँ पे कम हुए या नहीं हुए, कितना वो प्रॉफिट कमा रही है ब्रांच, तो ये सारे मार्जिन्स जो होते हैं वो ब्रांच मैनेजर ही डिसाइड करता है. और अगर उसकी ब्रांच परफॉर्म अच्छा कर रही है तो ही विल बी रिवॉर्डेड, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसका उसका ब्रांच तो देन ही विल बी हेल्ड आंसरेबल कि परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं हो रही है, ठीक है. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक्ट करता है एज अ गाइड टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, यानी कि जो स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किए गए हैं दे आर यूज्ड फॉर कंपेरिजन विद एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है, जो एक्चुअल रिजल्ट आया है उसके साथ कंपेरिजन होता है. एंड ऑल्सो कम्युनिकेट करना परफॉर्मेंस ऑफ द सेंटर टू द एग्जीक्यूटिव कंसर्न, ठीक है. एंड
इन केस अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच नहीं होता है तो जो वेरिएंसेस हैं वो वेरिएंसेस कन्वे किए जाते हैं टू दी टॉप मैनेजमेंट और फिर टाइमली करेक्टिव मेजर्स निकाले जाते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ दैट सेंटर। ओके, अब बात करेंगे हम थर्ड की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग प्रमोट करता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो ये एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है मैनेजमेंट मॉडल का और इसका एम होता है कि कैसे इम्प्रूव करें हम परफॉर्मेंस को एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो दैट इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस कैन बी डन बाय आइदर क्लियरिंग बाय क्लियरली डिफाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स जो अग्री किए गए हैं by both the parties of the management and by the employees। ठीक है, I repeat, जो भी performance है वो कैसे improve होंगी एक organization की, तो वो होंगी by clearly defining the objectives जो agree किए गए हैं by the, आप कह लें जो mutual meeting होती है between management and employee की। ठीक है, next बात करेंगे हम management by exception की। तो management by exception भी एक type का managerial approach है जिसमें मैनेजमेंट गिव्स अटेंशन टू द मैटर्स जिसकी वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, आई रिपीट, जिसकी वजह से ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, और फिर इससे रिलेटेड जो भी एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड्स होंगे उनसे मैच नहीं हो पाई। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट फोकस करेगा इन फाइंडिंग आउट द रीजंस बिहाइंड फेलियर्स एंड फिक्सिंग द कंसर्न। ठीक है, कैसे? तो बाय कटिंग द कॉस्ट, या फिर री इंजीनियरिंग होगा, या फिर एस्टैब्लिश किए जाएंगे न्यू स्टैंडर्ड्स। ओके, तो ये थे आपके एडवांटेजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। चलिए तो डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के टाइप्स को। तो सबसे पहले आता है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर कॉन्ट्रीब्यूट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और मैनेजर्स ऑफ कॉस्ट सेंटर्स जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग देयर कॉस्ट इन लाइन और बिलो द बजट। इसके अलावा कॉस्ट सेंटर का मेन यूज होता है टू ट्रैक एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर कंपेरिजन टू बजट। ठीक है, बात करेंगे अब रिवेन्यू सेंटर की। तो रिवेन्यू सेंटर में हम बात करते हैं कि कैसे इनकम जनरेट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल्स कैसे हम सेल्स करते हैं या फिर हमारा मार्केटिंग का कैसा स्ट्रेटजी है मार्केट में। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन होता है हमारा रिवेन्यू सेंटर के अंदर। बात करेंगे हम प्रॉफिट सेंटर की। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट सेंटर हैज कंट्रोल ओवर बोथ रिवेन्यूज एंड कॉस्ट, यानी कि किस मार्जिन पे हम अपना प्रोडक्ट उतारना चाहते हैं मार्केट में। ठीक है, जिससे कि जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी वो भी हमको मिल जाए, हमारा रिवेन्यू भी जनरेट हो जाए जो हमको अपने एलोकेटेड एम्प्लॉयज को देना है, और जो हमारा मार्जिन है प्रॉफिट का हमको वो भी निकल जाए। ठीक है, तो ये सारा होता है मैटर अंडर प्रॉफिट सेंटर के। अब लास्ट में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर की। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर इज अगेन अ सब यूनिट। ठीक है, दैट हैज कंट्रोल ओवर थ्री थिंग्स, रिवेन्यूज, कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट। इसमें आप अपना एग्जांपल ले लीजिए ह्यूमन रिसोर्स का। अगर जो एम्प्लॉयज आपने अपने कंपनी में रिक्रूट किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, तो ऑब्वियसली आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ग्रो करेगा। या फिर अगर आपने कोई मशीनरी ली है अपने प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, तो वो कितनी अच्छी है, कितनी एफिशिएंट है अपना काम करने में। ठीक है, तो दीज आर द फ्यूचरिस्टिक थिंग्स जो हम इन्वेस्टमेंट सेंटर के अंडर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आप अपने आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करिए ताकि हमको पता चले कि ये सेशन आपको कितना अच्छा लगा और कितना समझ में आया। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल आर वीडियोज, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम। इन केस ऑफ एनी फर्दर क्वेरीज यू कैन विजिट अस ऑन आर वेबसाइट, दैट इज www.everstudy.co.in।